और उसे दो जंगीन भी रखे ध्यान मेरे पास है। मैं वो प्रसाद करके इसको ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ जी। जी मैं आज 13 मुहर्रम में मैं मसाइबाज के हवाले डाली जनाब ने श्रावण पढ़ना मगर एक फरमाने में फरमाने मासूम जरा है वो सुन लो। फरमाने मासूम मेरे और तुहाडे चौथे इमाम अली अलैहिस्सलाम अली जैनुल आबिदीन मासूम ने फरमाया कि जिस दस्तरखान पर शराबी बैठ के खाना खा रहा हो उस दस्तरखान पे खाना हराम है। तुम उसके साथ बैठ के खाना मत खाना, तुम्हारा खाना खाना हराम है। और अगर पता लग जाए कि थे शराबी बैठ के खाना खा गया है बर्तन तो झूठे नहीं और दो मोमिन गवाही दे देन कहन कि थे शराबी खाना खा गए चौथे मामा दे उस दस्तरखान पे फिर भी न बैठ मैं सजा आदत है एहतियात वाजिब है कि किसी और जगह पर बैठ के खा। जरा मोमिन सोचो कि शराबी का खाना मौला कह रहे ने खाना हराम है दस्तरखान पे बैठना हराम है तो फिर उस शराबी का ताल्लुक रखना की हैसियत रखना। लिहाजा शराब तो दूर रहना है और शराबी को भी दूर रहना है। फुल के अजीम के मालिक मोहम्मद मुस्तफा फरमाया गुनाह से नफरत करो गुनहगार से नफरत न करो क्योंकि वो गुनाह छोड़ के सही हो सकता है। ऐसे ही है कुफर से नफरत करो काफिर से प्यार करो इसलिए कि काफिर कभी भी मुसलमान हो सकता है। मगर वो ही फुल के अजीम का मालिक क्या कह रहे हैं शराबी से यानी शराब इतना बड़ा गुनाह है। चौथे इमाम जोरी ने पूछा मौला इतना सख्त फरमान क्यों जारी कर रहे हो फरमाया शराब ही की वक्त शराब निजस भी है और हराम भी है। निजस चीज मूछ पा के न तो नकलमा पढ़ सकता है बोल कुछ नहीं कर सकता ज्यादा शराब तो दूर रहना है। मैं हरस की थी मैं आज मसाइल पढ़ना चाहता आज तेरा वो हरम है ध्यान मेरे पास रखना। आज की रात गाजरिया पुल कूफे तू पहले पर्दा दारा ने तौहीद और रिसालत का काफिला पहुंचा उमर के साथ ने 4 ऐलान किए। बस मैं मिन्नत कर रहा हूं रुको नहीं देखना रोना सबको हाय कर देना। 4 ऐलान उमर के साथ ने किए लानत को इस मलून पे 4 ऐलान उसने मैं तो दस मैं कहीं अपना बुजुर्ग हो जाना है कहीं हाय करनी है इबादत कबूल हो जानी है। पहला इस मलून ने हुक्म यह देता है के सईदा नु मार मार के तुम थक गए हो आराम कर लो होए होए और ये कहना कि पब्लिक सलाम करा ये तो फौजियां नु कहता है सादात नु मार मार के तुम थक गए हो तो हुन आराम कर लो। दूसरा हुक्म इस पे गैरत ने देता है आप पानी पियो ठंडे पानी पियो जानवरों को पानी खिलाओ मगर मजदूर दिया दिया को कोई पानी ना दे। तीसरा हुक्म इस पे गैरत ने देता है कि अगर पर्दादारा ने तौहीद और रिसालत गिरजे के अंदर इशाने में बंद कर दो। चौथा हुक्म इसे देता है जितने शहीद हैं उनकी इशाना सर वाली हैं गिरजे के अंदर दीवार को खड़िया करके ताला मार दो। लाहौर वाले मैं इसको ज्यादा क्या पढ़ा रहा हूं क्या कोई मेरा अंदाज ही नहीं मैं नौकरी कर रहा सिर्फ मगर अल्लाह की तरफ एक तरतीब सीधी हो गई फिरा वाली फिरा दी शान कर लिया पुत्र वाली पुत्र की शान कर लिया गई शौहर वाली शौहर की शान कर लिया गई एक 4 साल की सिंगल जाती है कभी इस शान कर ले कभी उस शान कर ले कभी उस शान ख्याल है मेरे से बजान दरवाजे पे ताला मजारस कलमी पादरी है इस नाजरिया बस्ती का 360 किसे खानदान बसते 1000 मर्द और 500 के करीब मुस्कुराहट ने नदियां अध रात वेले पादरी सुता पिया भाई मेरे पास देखी उसको खाब आया खाब ईसा आए हजरत ईसा मोटा हिला के आने तू आराम दे बिस्तर पे सुता पिया बतूल दिया दिया खड़िया दूसरे ने पानी पी के सुता है बतूल दिया दिया प्यासिया इस खाब को आम खाब सुन के फिर सो गया। अच्छा मेरे पास ध्यान है आम खाब समझ के आम खाब समझ के फिर सो गया। सुहेल भाई हूं कले ईसा नहीं आए नाल मरियम मरियम की चादर लथी हुई उच्चा उच्चा लोग क्या दिए मैं तेरी बतूल आई खड़ी हाँ तू मेन बतूल समझे दें मेरी बतूल दिया दिया का सर बन गए
मेरी बतूल दिया दिया प्यासिया जल्दी करो मेरी बतूल दिया दिया चादरा दे दो पानी दे दो मजालस कल भी उठिया अपनी सोजा जगाया अपनी हैरान होकर सुन रहे हो मेरा कसूर नहीं अगर ऐसे कोई चीजा नहीं पढ़िया जाए तो मैं गुजरा नहीं जो लियाकत है किताबा च पढ़ के तुम्हारे सामने पेश कर रहा मजालस कल भी पादरी उठिया अपनी बीवी को जगाया अपनी धीया ने जगाया बीवी पुछती अब रात वेले क्यों जगा रहे हो उस वेले मजालस कल भी जो क्या है हूं एक सत्ता बचाए हूं मरीज सत्ता बचाए उन्हें फरमाया गिरते के अंदर साड़ी बतूल दिया दिया खड़िया प्यासियां नहीं है सरा से चादर लिहाजा सारे जितनिया चादर पो चादर चार मेरे नाल अशरे को चादर चाहिया मजारस कल्बी ने पादरी ने चादर इसने लाइया पिछे दिया पिछे इसकी सौजा जदा गिरजे के दरवाजे से पहुंचे ना चर्च के दरवाजे से पहुंचे अगे ताला लगा हुआ एक सिपाही खड़ा हो सिपाही अगर खबरदार कोई गिरजे के अंदर नहीं जा सकता सख्त हुक्म है उस वे कहता मैं गिरजे का पादरी हाँ अब रात का वेला है साड़ी इबादत का वक्त हो गया आदा जी तुसा ईसाई हो तो रुको मैं जरबैर को इजाजत लगा उम्र के साथ खेमे चाया आप आता है रात में एक पादरी है वो आदि मैं इस गिरजे का पादरी हाँ धीया उदिया नाल बीवी उदी नाल है पर्देदार है वो आदि मेरी इबादत करनी है यह आदि उन्होंने सानू कोई खतरा नहीं ताला खोल दियो शरीफ जो परदेसी मेरे सामने पीछे बैठे लाहौर वाले समझ ना आवे तो ताला ही दस गई शरीफो इस दरवाजे की इजाजत दी चाबी लेके दरबार पहुंचा एक बार सारे मिल के आखो ईसाईओ थोड़ा फैलाओ मैं तुम्हें तो वादा करता इस दुआ के बदले मखसूमत तो बड़ा कुछ अदा कर सी यह दुआ जरूर मंगना ईसाईओ थोड़ा फैला हो क्यों मैं आख्या बख्तियारी साहब कितने अदम नाल इस बंदे ने काम किया है जिन्हें मैं दुआ कर रहा हूं जिदा फौजी ने ताला खोलिया ना तो दरवाजा खुलिया इसने कण कर दिया कण कर दी कण करके चादर अपनी बीवी को ले गया है मैं गैर महरम हूं बतूल नहीं आती आसमान तो खून की बारिश की थी मुख्तलिफ रिवायात उस रात को किसी ने चन नहीं देखे क्यों विलायत अखल रूप करके दूसरे चंद की क्या मजा लाई इस आखो कि असा गरीब लुटे जना फिजा टुटते टुटते उठे आए जिथे मजारस की औरत सौजा चादर लैके खड़ी आई फिजा मेरे प्यार दी जो लुटन वाले हो तो टुट जाओ ये गरीब परसों के लुटे उस वे जमीन से छड़ पई है मजारस की सौजा ईसाई औरत आदि असा लुटन वाले नहीं असा कोई मुसलमान है सानू ईसा ने भेजा है सानू मरियम ने भेजा है असा गरीब दिया भेड़ा नू चादर दे शरीफों मकानिया चादर का नाम आया है बतूल की धी नू पता लगे बीबिया की बिस्मिल्ला अगे आवाजो मजार दिलो जाके आ दी है चादर मेरे हथों हजरत ईसा ने हदिया की कबूल फरमाओ बीबी चादर पकड़िया चादर पकड़ के बीबिया की अम्मा फिजा छोली वधा
झोली वधाई है चादर झोली च पा दियां सत चादर नहीं लई जेडे बंदे हुण तई नहीं रो सके उन्हां वास्ते जो मलामा साहिब दा प्यादा चादर सर ते नहीं लई मजालस दी सौजा हथ जोड़ के आ दी मेरी बतूल फरमाया है तुसा बतूल दियां धीओ साड़ियां चादर नूं निजस पलीत समझे ने सिर ते क्यों नहीं लैंदी जेडे तुसी अदादार पुराने बैठे हो तुहानूं समझ आवे सी उसने हुसैन दी धी आ दी मजालस दी सौजा चादर कदी पलीत नहीं होंदी चादर पाक होंदी है आदिए बीबी वसर ते चादर क्यों नहीं लेंदी जदा क्या क्यों नहीं लेंदी बीबी आदिए मेरी एक मजबूरी है आदिए बीबी केड़ी मजबूरी है उस वेले सैन हो गया दी तू भी एक औरत है मैं भी एक औरत हां मैनू इंसाफ नाल दस ओ भैण किवें चादर लवे जंदे फेरा नू कफन कोई नहीं मिलिया उस बीबी ने चादर सिर ते नहीं लई अल्लाह तुहाडे सोधो कलाम च बरकत करे चादर सिर ते नहीं लई आदे क्यों नहीं लई मजारस दी सौजा दी वादी मेरे फिरा मारे गए भतीजे मारे गए पुत्र मारे गए मेरे पासे ध्यान रखना शरीफा वो कहानियां जदा गल कीती है मजारस ने केड़ा काम कीता है ध्यान या मेरे पासे रखो मजारस ने केड़ा काम कीता है अपने चौके च आ गए ऊंची आवाज नाल आवे यार मैं अंदर ही के साल दी जिंदगी च तुहाडे ते कीता है सारे आ वजो घर छोड़ दियो बिस्तर छोड़ दियो हजार मर्द पांच छे सौ औरतां इकट्ठियां हो गईयां उन्हां के तू साडा सरदार है परेशानी बन गई है उसने बजारे से रो क्या जाए ईसा खाब छाए मरियम खाब छाइए मरियम आदि आई मेरी बतूल दिया दिया न सर नंगे चादर देवो मैं मरियम राजी हो सा असा चादर ने बन गए है ओ बतूल दिया दिए मेरे फिरा मार गए उन्हां नूं कफन कोई नहीं मिलिया जल्दी करो जिदे कोल पुरानी चादर सफेद पुरानी लै आओ जिदे कोल नवीं नवीं लै आओ चादर इकट्ठियां होईयां लाहौर आ लियो अजीब किस्मत हुसैन दी ईसाइयां दे घरों पुरानियां चादरां दा कफन पिया बणदा है चादर इकट्ठियां हो गईयां हथियार कईयां मिलची उन्हां दे मोढ़े ते रख अगे अगे मजारस पादरी पिछे पिछे पूरी कौम हजार मरद पांच छे सौ करबला दे पासे टुर पे सारे रस्ते मजारस आते जल्दी आओ मत मरियम नाराज हो जाए जल्दी आओ मत ईशा नाराज हो जाए जदो करबला दा बन्ना आया बख्तियारी साहब पादरी दे अपने कदम रुक गए पादरी आखिया कौम अपनी को जरा ठहर बनो फिलहाल चाखिया सारे करो देखो पै गया होर ख्याल ते जेड़ी बीबी आई आई है वो रोज मुबाले अते पाक रसूल दे नाले उवा विच लाशां दे रोंदी बदिए हुण खोल के सर दे अगू आवाज आई है मैं रसूल दी धी पर्दा बणदियां लंगा सारे मर्द आ गए औरतां भी आ गईयां सैन ते पर्दा बणाया अपनी कौम वाले जल्दी करो पूरे करबला में फैल जाओ जिथों कोई लाश मिले मेरे को ले आओ इकट्ठा कफन पा के इकट्ठिया दफन कर दसाए शरीफ को हर कोई टुर पिया पादरी खुद भी टुरिया पादरी ने दिले सोचिया मैं सवाब तो महरूम ना हो जावा शरीफ साहब एक ऐसी लाश से आया पादरी जेड़ा अठारह साल का जवान हा कड़ियल जवान लाई गला कटे होया गरीब का हाथ आई हाथ दे विच कोई कागज का टुकड़ा आई उस विचों फुआरा खून का जारी आई मजारस चुकदा लगाया है मजारस ने सोचिया मैं देखा तो सही इस गरीब के हाथ च जेड़ा कागज है उसने क्या लिखा होया है जब हाथ लावन लगा है कप्पे गल च आवाज आई है मजारस हाथ न ला तू गैर महरम है मेरी भैन सुगरा दा हाथ है शरीफो जदा बोले वाला अकबर मैं सहारा चंद चन्ना
ਹੋਈਆਂ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬਣੀ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਰਾਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸੌਜਾ ਆਦੀਏ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਈਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਫਨ ਬਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ੌਹਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਹਰ ਕੋਲ ਆਈ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਈਸਾਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ ਹੈ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮੀ ਬਣੀ ਅਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਜਾਰਾ ਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮਜਾਰਾ ਸੁਰੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝੜ ਪਿਆ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਦਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੇਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਦਾਂ ਤਰੇ ਫੱਤਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਦ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫੋ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਇਜਾਲੇ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਆਦੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮਜਾਰਸ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਦਰੋਂ ਵੜਾ ਇਮਾਮਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਲਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀਏ ਮਜਾਰਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਲਮਾ ਸਜਾ ਦੋਸਤ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਈਆ ਪੁੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ